दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार पूरा बिल फटता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त जो कि करण के ऊपर। क्योंकि जो भी लोग बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर सौर्या की बेल नहीं हो रही, सौर्या सलाखों से पीछे से वो नहीं आ रहा, तो वो जो कि करण की बदौलत। क्योंकि दोस्तों करण की अगर बात की जाए तो करण का मानना भी सही है। करण का मानना ये है कि सौर्या ने गलती की है तो उसे कम से कम सजा मिले, और सौर्या को बिगाड़ने में जो हाथ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि सौर्या को बिगाड़ने में पूरी तरीका से हाथ रहा है जो कि निधि का, क्योंकि निधि ने उसे लाड़ चाप में पूरी तरीका से बिगाड़ के रखा है। लेकिन दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सौर्या क्या चीज़ करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सौर्या अब समझ रहे हैं कि मेरा बाप भी मेरा दुश्मन बन चुका है, और इधर राजवीर को तो आप लोग जानते हैं कि प्रीता का बेटा राजवीर को वो बहुत ज़्यादा दुश्मन मानता है, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि सौर्या भी उसी माँ का बेटा है और राजवीर भी, लेकिन दोनों के संस्कार कितने अलग हैं। और वाकई में दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संस्कार के मुकाबले जो प्रीता के संस्कार हैं वो वाकई में एक अलग संस्कार हैं, और जो उसे लूत्र परिवार में सौर्या को संस्कार मिले हैं वो अलग हैं। क्योंकि दोस्तों राजवीर और सौर्या की परवरिश दोनों की अलग अलग जगह हुई है, तो इसलिए दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक तो बिगड़ा हुआ है और एक पूरी तरीका से संस्कारी है, लेकिन वहीं आज भी कहीं ना कहीं याद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रीता को। क्योंकि जहाँ पर लूत्रा परिवार इस समय प्रीता को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि अगर आज यहाँ पर प्रीता होती तो वाकई में सौर्य इस तरीका से बिगड़ा हुआ नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि सौर्य को लगातार देखा जा रहा है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।